सर्दियों में धूप सेकने का मजा कुछ अलग ही होता है। इससे ठंड में बचाव रहने के साथ साथ इम्यूनिटी भी बढ़ती है। विटामिन डी का ये बहुत ही अच्छा स्रोत है, लेकिन दोस्तों विटामिन डी की कमी को ही नहीं पूरा करता है धूप, बल्कि अनेकों बीमारी से बचाता है हमें। नमस्कार, हिमाचली हर्बल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि धूप सेकने से हम किन किन बीमारियों से बच सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं दोस्तों, तो हिमाचली हर्बल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर हम रोजाना धूप सेकते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, ऐसे में सर्दी खांसी जुकाम व मौसमी बीमारी से बचाव रहता है। दूसरा फायदा है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। धूप सेकने से शरीर को करीब 90% तक विटामिन डी मिलता है, ऐसे में इससे मांसपेशियां व हड्डियां मजबूत होती हैं। साथ ही शरीर अच्छे से खुलता है और जोड़ों व शरीर के अन्य हिस्सों में होने वाले दर्द में भी आराम मिलता है। अगर हम रोजाना धूप सेकते हैं दोस्तों, तो जो वजन अपना घटाना चाहते हैं उनके लिए बेहद ही फायदेमंद होता है, क्योंकि शरीर पर जब धूप पड़ती है तो मेटाबॉलिज्म बेहतर बनता है, ऐसे में वजन कम करने में मदद मिलती है। एक रिसर्च के अनुसार भी सूरज की किरणों व BMI में गहरा संबंध होता है, इससे आपका वजन कंट्रोल में रहता है। जिन लोगों को अनिद्रा की परेशानी है उसे भी दूर कर देता है। अगर आपको नींद न आने की परेशानी है दोस्तों, तो आपको धूप सेकनी चाहिए। धूप से शरीर में मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन बढ़ता है, ऐसे में जिन्हें रात को नींद नहीं आती है, नींद ना आने की परेशानी है, वो अगर धूप सेकते हैं तो अनिद्रा की परेशानी उनकी दूर होती है। दिन में अगर आप कुछ मिनटों के लिए धूप सेक लेते हो दोस्तों, तो आपकी जो स्किन है वो ग्लो करती है, क्योंकि शरीर में मौजूद बैक्टीरिया दूर होते हैं उनसे। ऐसे में पिंपल्स, दाग धब्बे, जलन व खुजली की परेशानी से भी राहत मिलती है। आपके दिल को स्वस्थ रखता है। धूप से शरीर को पोषण मिलता है, ऐसे में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। इसके चलते दिल स्वस्थ होने से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम रहता है। आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है। सर्दियों में ठंड के कारण शरीर बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाता है, ऐसे में धूप सेकना बेहद ही फायदेमंद होता है। इससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर होने के साथ साथ शरीर में सही तरीके से विकास भी करता है। हमारे जो सेल्स होते हैं उन्हें भी धूप बढ़ाता है, क्योंकि धूप लेने से शरीर में व्हाइट व रेड ब्लड सेल्स बढ़ने लगते हैं और पाचन को दुरुस्त करता है। जिन लोगों को कब्ज की परेशानी रहती है उनके लिए धूप सेकना बहुत ही फायदेमंद होता है। उससे क्या होता है कि उनका पाचन तंत्र मजबूत होकर पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है। और विटामिन डी की तो कमी पूरी ही होती है, धूप सेकने से शरीर को विटामिन डी सही मात्रा में मिलता है। धूप सेकते हैं उनके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है, किन किन बीमार से बच जाते हैं हम धूप सेकने से। भगवान ने जो हमें ये गॉड गिफ्ट दिया हुआ है धूप, अगर हम लोग सुबह 10 बजे से पहले 20 या 30 मिनट के लिए धूप सेक लेते हैं, तो हम पूरे दिन के लिए तरोताज़ा महसूस करते हैं। साथ ही साथ कई बीमारियों से हम अपने शरीर का बचाव भी करते हैं। आप भी अपनी व्यस्त लाइफ में से कम सुबह के समय 20 या 30 मिनट अपने लिए निकालें, धूप पे बैठे, उससे आपके शरीर की कई बीमारियों से आपकी रक्षा होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ कल एक ऐसी ही नई हर्बल वीडियो के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।